अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे तमाम दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फैंस को सलाम के बाद में मैं आगे जाकर बहुत ही कह सकते हैं दुश्मन के लिए ख़तरनाक अमल दिखा रहा हूं। और पहले तो मैं बदनाम हूं इससे कि जलाली अमल करते हैं और लोग बात करने से भी डरते हैं मेरे से कि जलाली अमल करता है, पता नहीं हमें क्या कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम किसी के लिए कराते हैं तो जलाली अमल करता हूँ मैं। बाखुदा हक हलाल अल्लाह जानता है, मैंने आज तक किसी के लिए कोई गलत अमल नहीं किया है, ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक ना। तो आप लोगों को बेखौफ होकर आराम से रहने के लिए, आपको जैसे कि आपको किसी दुश्मन का खौफ है कि वो आपको हिला कर देगा और उससे महफूज रहना चाहते हैं, अगर वो जादू करता है तो हर तरह से आपकी हिफाजत के लिए पहले मैं आपको अमल दिखा देता हूँ, फिर आप जो है किसी दूसरे पे कर सकते हैं तो आप पे नहीं आएगा, आपकी हर तरह से हिफाजत होगी। ये जंगे बदर का अमल है, जंगे बदर के सहाबियों ने ये पढ़ा था तो शहीद हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा था कि शहीद हो तो शहीद हुए थे। अमल आपको इस तरह से मैं किताब से दूंगा, मैं कहूंगा तो आप मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, मगर किताब से दिखाना और खुद से कहना, खुद पे जिम्मेदारी लेने से बेहतर है किताब पे जिम्मेदारी डाल दो, और बहुत मुजर्रब है। और सिर्फ आपको स्क्रीन शॉट लेकर अपने बाजू पर बांधना है और थोड़ा सा वजीफा है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यही कहूँगा कि ये बहुत मुजर्रब अमल है, आप करें। और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक ज़रूर दिया करें। और नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, मुहर्रम मुबारक नहीं कह सकते क्योंकि मुहर्रम में मातम करना है, मनाना नहीं है, मातम करने का महीना है। अपनी अपनी सोच है, सबकी अलग अलग सोच है। जो शहीद हुए थे उनके बारे में अगर सोचेंगे तो वो दिल से ही एकदम मातम सा माहौल हो जाएगा। बहरहाल आपको अमल की तरफ लेके चलता हूँ, बहुत मुजर्रब अमल है, बहुत तो बहुत। देखें मेरी वीडियो को आगे, देखें मैं किताब से दिखा रहा हूँ आपको। खौफ, हिलाकत और दुश्मन से महफूज रहने का अमल। जिस शख्स के को अपने जालिम दुश्मन से इस बात का शदीद खतरा हो के वो इसको हिला कर देगा, तो ऐसे शख्स पर लाजिम है कि वो पाक साफ होकर, बावजू होकर पानी नहा लें। अगर आपको ख़तरा है जान का, कोई मारना ही चाहता है आपको, भले से वो अमलियात से हो या फिर दुश्मनी से, किसी भी तरह से मारना चाहता हो, पाक साफ होकर, बावजू होकर कलमे तैयबा और आयतल कुर्सी। कलमे तैयबा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसको 313 बार पढ़ना है। और फिर आयतल कुर्सी को भी 313 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो मेरे दोस्त पढ़ नहीं सकते हैं मैं आहिस्ता पढ़ के सुना दूँ, इसको आप दोहरा ले सकते हैं या फिर YouTube पे सर्च कर ले तो बेहतर है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युतून बिशय्यिन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिया कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यौदहु हिफ़्ज़हुमा व हुवा अलीउल अज़ीम। इसको 300 बार पढ़ना, 313 बार, 313 बार के तादाद असहाबे बदर है, बदर असहाबे बदर में पढ़ा था, सहाबियों ने बदर में पढ़ा था, ये जगह बदर में पढ़े। और इसके बाद ये दुआ पढ़ें, और नक्श ज़ैल, ज़ाफ़रान या मुश्क या जर्द रंग से किसी नफीस कपड़े पर लिखकर अपने दाएं बाजू पर बांधे। तो ये हम नहीं कर सकते क्योंकि नक्श बहुत बड़ा रहेगा इसका, आपको इतने फरिश्तों के नाम है उसमें और अल्लाह का कलाम है, उसको आप ब्लैक एंड वाइट में ही स्क्रीन शॉट लें
और ये जो पढ़ते हैं ये पढ़कर उस पर फूंक दें, फूंक कर फिर आप खुशबू लगा लें, खुशबू लगाकर आप दुश्मन से हिफाजत के लिए सीधे हाथ पे बांध सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से दुश्मन हर हरबे से महफूज व अमान रहेगा। दुश्मन के जो हर जैसे कि उसकी हर चाल से महफूज व अमान में रहेगा और इसको किसी भी किस्म का ज़र्र दुश्मन ना पहुंचा सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे और बेखौफ रहेगा। नक्श अगले सफ़े पर है, मैं आपको नक्श भी दिखा देता हूँ, आपने स्क्रीन शॉट लेनी है। बहुत अच्छा नक्श है अल्हम्दुलिल्लाह। आयतुल कुर्सी भी है इसमें, चारों खुल भी है इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अहादा किताब मिन मुहम्मद रसूल रब्बिल आलमीन इल्ला मिन तुरखिल दारीन अल अमारी। मेरा कैमरा डिम हो रहा है, शायद मेरे मोबाइल में कुछ फॉल्ट है, मैं आपको आगे से देता हूँ लेंस क्लियर करके। साहीन इल्ला तारिखुन यतरिखु बिखैर। तो अल्लाह से खैर की दुआ मांग रहे हैं, यहाँ पूरा भरा हुआ है। मैं आपको या खहार अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे, काफ़ी है अल्लाह के नाम। ठीक है, आपको इसमें ब्लैक एंड वाइट से ही आप देख लें, आपको स्क्रीनशॉट सही से आ रही होगी। ये यहाँ से काट दे, नामों में कुछ नहीं लिखना है। अगर कर सकते हैं आमिर लोग कर सकते हैं तो इसी आयतों को ज़ाफरान से देख लें, ये लाइन ना अच्छे से समझ में आ रहा है। यही लाइन को आप लोग ज़ाफरान से लिख कर भी कोई कपड़े में बांध के अपने बाजू पर बांध सकते हैं, वरना मैं तो कहता हूँ अल्लाह का इतना कलाम है और आप इसको ऐसे भी निकाल कर बांधेंगे सीधे हाथ में तो आपकी हिफाजत होगी। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। देख लें स्क्रीनशॉट हर तरह से दे रहा हूँ मैं, लिखने के लिए भी अगर लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट पकड़ कर जिन्नी यहाँ पर जिन्नातों से भी हिफाजत होगी। यहाँ से भी देख लें आप या नीचे से भी देख लें, स्क्रीनशॉट पकड़ कर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मगर वो जर्द से आई होगी, मुश्क या ज़ाफरान या फिर लाल रंग का पेन होगा, या फिर ऐसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट पकड़ कर इस पर खुशबू लगा लें, फोल्ड कर लें और इस पर हरे कपड़े में या कोई भी कपड़े में आप सीकर खुशबू लगा कर जो पढ़ते हो आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 313 बार अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अलहुल कय्यूम, यहाँ पर आयतुल कुर्सी लिखी भी है, अयदिहिम खल्फहुम वला इतना बिशय मिन इल्मिही ला माशा वसिअ कुर्सी, तो ये आपको इतनी हिफाजत करेगा अल्लाह ताला के फजल व करम से, आपकी जान की हिफाजत रहेगी। तो ये मैंने बता दिया है।